चले भाई, आज ही एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, सुबह की करंट अफेयर मैं रात को प्रेजेंट कर रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सुबह प्रेजेंट किए जाएं चाहे रात में प्रेजेंट किए जाएं। 19 जून के करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिए भाई। और ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है। तो बेसिकली ये मिशन जो है हमारा ना, वो ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, यानी हमारे जो है कि ब्लू इकोनॉमी हमारी समुद्री इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और भी खोजें करने के लिए, ताकि 6,000 किलोमीटर तक जो है कि खोज में पानी में मिल सके कि और क्या क्या खनिज है जिनके उपयोग हम कर सकते हैं, उसके लिए मिशन चलाया गया। वो ग्लो मिशन है, टाइप मिशन है, गैप मिशन है, डीप ओशन मिशन है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। और हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है, तो ये वही कंट्री रही है जो हर बार भाई पीस में पहले नंबर पे रहती है। और भारत की रैंकिंग कितनी हो जाएगी, 135, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा। ये डिस्प्ले क्वेश्चन है, कल का क्वेश्चन ले लेते हैं। कल का क्वेश्चन था कि किन देशों ने हाइड्रोजन समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो वो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। सारे लोगों ने सही आंसर दिया था, और थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही आंसर देते रहा करिए। आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि हाल ही में COVID-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए एक कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, तो ये किसके द्वारा की गई है। तो देखा होगा आपने कि प्रधानमंत्री जी हमारे लाइव आए थे और उन्होंने इस क्रैश कोर्स के बारे में बताया गया, ताकि जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके जो है स्किल्स को बढ़ाया जा सके, उन्हें अच्छा खासा स्टाइपेंड दिया जा सके, उनके लिए बीमा दिया जा सके। तो इसी चीज को इन्होंने इस कस्टमाइज क्रैश कोर्स में मेंशन किया। और ये किया किसने, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। ध्यान रखिएगा, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जो है कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये ध्यान रखिएगा, सॉरी, ये नरेंद्र मोदी कर लीजिएगा, ये तीसरे नंबर पे, ठीक है, नरेंद्र मोदी कर लीजिएगा। ये नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे कृषि मंत्री, उन्होंने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, ठीक है। उसके अलावा राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री, और हरदीप सिंह पुरी जी के पास जो है कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दे दी है। विच मिशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू स्टडी बायोडायवर्सिटी इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ग्लो ओशन मिशन, टाइप ओशन मिशन, गैप ओशन मिशन, या फिर डीप ओशन मिशन। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन शुरू किया गया है केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। और मैंने बताया कि समुद्र के नीचे जितने भी खनिज छुपे हुए हैं उनके क्या क्या उपयोग किए जा सकते हैं और क्या क्या कंपनियों को फायदा हो सकता है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके सरकार को क्या फायदा हो सकता है, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता यानी जानवरों को पाकर के उनसे क्या क्या चीजें जो देखी जा सकती हैं, उसके लिए डीप ओशन मिशन जो है वो चलाया गया, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अध्ययन करने के लिए। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ब्लू इकोनॉमी के तहत भी आता है। आगे बढ़ते हैं, 19 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, विच डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन द 19 जून। तो टीवी डे या फिर रंगमंच दिवस, ये सारे ही मैंने बता रखे हैं, अर्थ डे या फिर जो है आपका एथेनिक डे। तो एलिमिनेट करके ये आप कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, एथेनिक डे, यानी हमारे संस्कृति कल्चर इन्हीं को समझने के लिए, जो हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं उनको फॉलो करने के लिए, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं एथेनिक डे। 19 जून को हर जो है हर साल विश्व भर में ये डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निर्माण संचालन रख रखाव डेटा संग्रहित करने के लिए डेटा लेक नाम का एक पोर्टल किसने लॉन्च किया है। ठीक है, रिसेंटली हु लॉन्च द पोर्टल ऑफ डाटा लेक स्टोर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डाटा। तो किसके द्वारा किया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से किया गया है, नीति आयोग की तरफ से किया गया है, या फिर ISA की तरफ से किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों, आपका ध्यान रखिएगा, NHAI की तरफ से, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेड मैंने बताया था आपको, कौन हो जाएंगे, सुखबीर सिंह संधू हो जाएंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का पूछा जाएगा तो राजीव चौधरी हो जाएंगे। नीति कमीशन का चेयरमैन, प्रधानमंत्री, वाइस चेयरमैन पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे डॉक्टर राजीव कुमार। CEO पूछा जाएगा अमिताभ कांत। वह इंटरनेशनल सोलर अलियांस का पूछा जाएगा तो इसके कौन हो जाएंगे अध्यक्ष, तो वो हो जाएंगे अजय माथुर। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे जो है कि सुखबीर सिंह संधू। और इस क्वेश्चन का डेटा लेक का भी अगर पूछा जाएगा कि क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहां पाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कहां पाया गया भाई, ये तो ये पाया गया बोत्सवाना में। ध्यान रखिएगा कहां पाया गया, तो बोत्सवाना में। वेयर इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड हैज बीन फाउंड रिसेंटली, तो वो कहां पे हो जाएगा, वो हो जाएगा बोत्सवाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है, विच कंट्री टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो वो कौन सा हो जाएगा। जाहिर सी बात है सबको पता है भाई, वो हो जाएगा आपका आइसलैंड। ध्यान रखिएगा, आइसलैंड अगर पूछा जाएगा तो वो
हमारा जो है पीस इंडेक्स में, भारत की रैंकिंग पीस इंडेक्स में कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 135। हैप्पीनेस इंडेक्स में पूछा जाएगा फिनलैंड, और डेमोक्रेसी इंडेक्स में पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नॉर्वे पहले नंबर पर। ये सारे ही पूछे जाते हैं आपको, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का पांचवा महासागर किसे घोषित किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसी तरह मैंने आपको एक कॉन्टिनेंट बताया था जब आपका जो है आपका जिलैंडिया, उसी तरह आपका जो है ये भी है कि पांचवा महासागर जो है वो किसे घोषित किया गया, ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर दक्षिण महासागर। तो नेशनल ज्योग्राफी की तरफ से भाई साउदर्न जो है ओशन को, दक्षिण महासागर को जो है पांचवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पांचवा महासागर घोषित किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपको बन सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बनेगा भी। तो साउदर्न अगर पूछा जाएगा, साउदर्न ओशन जो हो जाएगा वो पांचवा महासागर घोषित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है, ये देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया भाई, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे युवराज सिंह। युवराज सिंह को भी आप ऐड करते हुए भी देख रहे होंगे, तो पूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई, वो हो जाएंगे युवराज सिंह। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीठा ऑन व्हील्स पहल शुरू करी, तो अभी देखा होगा आपने कि रजा महोत्सव चल रहा था, वहां पे पीठा यानी झूलों के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, यानी पहले वही प्रथा थी, अब सरकार ने कहा किया कि हम घर घर पहुंचा देंगे, तो इसके लिए पीठा ऑन व्हील्स अगर पूछा जाएगा तो रजा फेस्टिवल हमने कहां सेलिब्रेट किया, वो सेलिब्रेट किया आपका उड़ीसा में, तो उड़ीसा में ही पीठा ऑन व्हील्स जो पहल को शुरू किया गया, इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया, जो कि पूछा जा सकता है। सीएम पूछा जाएगा तो मैंने हमेशा बताया नवीन पटनायक, गवर्नर पूछा जाएगा गणेशी लाल, अगर आपको राजस्थान का पूछा जाएगा तो अशोक गहलोत सीएम, कलराज मिश्र हो जाएंगे आगे गवर्नर, महाराष्ट्र का पूछा जाएगा तो उद्धव ठाकरे सीएम और जो है कि भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, वहीं पश्चिम बंगाल पूछा जाएगा ममता बनर्जी सीएम, और गवर्नर पूछा जाएगा तो हो जाएंगे जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कैबिनेट ने किस शहर में 400 करोड़ रुपए लागत की विश्व स्तरीय बस स्टेशन को मंजूरी दे दी है, रिसेंटली उत्तर प्रदेश कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन कॉस्टिंग रुपीज 4400 करोड़ इन विच सिटी, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या या गोरखपुर, गोरखपुर से दो दो बार, कोई बात नहीं, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अयोध्या। ध्यान रखिएगा, अयोध्या में जो है वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए का जो है मंजूरी दे दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ताकि वहां पे वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन बनाया जा सके। ध्यान रखिएगा, मैंने हमेशा कहा है आपको कि यहीं पे राम मंदिर भी बनाया जा रहा है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, और किस शैली में, तो नागर शैली में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के निशानेबाज रूबीना ने फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, रिसेंटली विच स्टेट शूटर रूबीना फ्रांसिस हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन पेरू इवेंट, त्रिपुरा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनका नाम हमेशा से ही आता है, और ये कहां से बिलोंग करती है भाई, ये बिलोंग करती है मध्य प्रदेश से, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस कहां से बिलोंग करती है, तो वो मध्य प्रदेश, और इन्होंने पेरू इवेंट में जो है स्वर्ण पदक जीता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके अलावा दोस्तों आपको बताए कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे सिर्फ फ्री क्लासेस आपको हमेशा मिलती रहेंगी, पेड क्लासेस के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेड क्लासेस में आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, 30+ है, जो है अनलिमिटेड एसेस मिल जाता है, एवरी वीक जो है बैच कोर्सेज होते हैं, ठीक है, 300+ क्लासेस होती है, सब एसेस कर सकते हैं आप, 70+ एजुकेटर्स होते हैं, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 90% जो है ट्रस्टेड लर्नर्स का फायदा उठा रहे हैं, इनका भी फायदा उठा सकते हैं, एकलव्य बैच है, डिटेल कोर्स बैच है, ठीक है, उसके अलावा आपको कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है, और इन सारी चीजों के लिए करना क्या होता है कि आपको कोड यूज करना होता है, वो कोड मैं बता देता हूं आपको, और वो कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन में भी ऑफ पा सकते हैं, प्लस आप जो है अपना फ्री क्लास ज्वाइन करने के लिए भी आपको अनलॉकिंग कोड अगर पूछा जाएगा तो वो भी यही हो जाएगा, और वो कोड क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, वो कोड हो जाएगा vimlesh@14, ध्यान रखिएगा कोड क्या हो जाएगा vimlesh@14, इसको आप किसी भी कैटेगरी में, बैंक में, SSC में, रेलवे में, UPSC में, किसी भी कैटेगरी में लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, और ऑल सेट हो जाएंगे आप एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बचे हुए क्वेश्चंस को ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मध्य प्रदेश, रूबीना अगर पूछा जाएगा फ्रांसिस कहां से बिलोंग करती है तो वो बिलोंग करती है मध्य प्रदेश से, किस गेम से, तो निशानेबाजी यानी शूटिंग से। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सरकार ने किस भारतीय को WTO मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एज द डायरेक्टर ऑफ इंडिया WTO मिशन, संदीप रनाडे, आशीष चंद्रोकर, मुकेश शर्मा या इनमें से कोई नहीं, तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आशीष चंद्रोकर। आशीष चंद्रोकर को WTO मिशन के लिए भारत ने वहां पे जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं,
कुरवई खेती सब्सिडी योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द कुरवई फार्मिंग सब्सिडी स्कीम? तो वो शुरू किया स्टालिन सरकार ने, यानी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए पूछा जाएगा तो वो भी आपका तमिलनाडु हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। म्यूजिक म्यूजियम के लिए पूछा जाएगा वो भी तमिलनाडु हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा मोदी किचन कहाँ खोला गया, वो भी तमिलनाडु में खोला गया। एम के स्टालिन सीएम हो जाएंगे और गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे बी एल पुरोहित, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। FAO यानी आपका जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 42वें सत्र की अध्यक्षता किसने करी? तो उन्होंने ही करी है जिसके पास हमारा जो है कि ये मंत्रालय है, यानी हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्षवर्धन जी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय, पीयूष गोयल जी के पास रेलवे मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री जी, तो भाई आप जानते ही सारे लोग। अगला क्वेश्चन है कि हिब्बल नगवाड़ा घाटी परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया? इन विच स्टेट हिब्बल नगवाड़ा वैली प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड? कर्नाटका, बिहार, असम या गुजरात? तो ये वही किया गया है जहां पे आपका नेकर सम्मान हो जाएगा या फिर गेट सेट गो स्कीम हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कर्नाटका। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाटेक सम्मेलन 2021, ठीक है, विवाटेक सम्मेलन 2021 के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है। इस सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज वर्चुअली एड्रेस द 5th एडिशन ऑफ द विवाटेक समिट 2021। वेयर इज द कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? फ्रांस, रूस, जापान या अमेरिका? और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना, उम्मीद करता हूं आप जितनी डिटेल्स के साथ आंसर करते हैं उन सारे डिटेल्स के साथ आंसर करेंगे। पीएम, प्रेसिडेंट या फिर वहां की करेंसी या फिर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जैसे मैंने येलो रेवोल्यूशन बताया आपको, जो है रेड पासपोर्ट, रेड टूरिज्म बताया, ये सारे ही आप बता सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, चैनल बनाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।